पाइप में से पानी आ रहा है बहुत तेज जंगल में। अरे क्या हो गया, क्या हो गया, चल ले ऊपर। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। और अभी जंगल में आए फ्रेश होने, क्योंकि सभी लोग जंगल में आते हैं, यहाँ वॉशरूम तो होते नहीं है, तो अभी जंगल में आए। और देखो बहुत मस्त वाली वाइब्स आ रही है, और ये पूरा जंगल ही जंगल है, पूरा जंगल। और ये पीछे नहर है एक छोटी सी जो कि सूखी पड़ी है। वो बताते हैं कि पहले वाले टाइम में यहाँ पे पानी बहता था बहुत। और इसके पीछे खेत है, और मस्त जंगल ही जंगल है पूरा। मतलब मुझे तो चलने में भी दिक्कत हो रही है यहाँ पे, क्योंकि कांटे वगैरह और ये सब चीज है। और दिखाऊं आपको, ये देखो, ये देखो अपने पिछवाड़ा धोते हुए, ये यहाँ फ्रेश हो रहा रास्ते में ही। और ये कहाँ गया? अच्छा, एक बोरा वो तो चुपचाप सून में था। ले इधरा, सब अपनी अपनी बोतलें लेके पानी पीने के लिए जा रहे हैं। इनको बहुत प्यास लग रही है। वो 2 लीटर की लेके गया था पीने के लिए। 2 लीटर पूरा पी गया। ये देखो 2 लीटर पूरा पी के रेडी है। और उधर 4 लीटर में पी रही है। और इधर विष्णु, विष्णु गोला का बात आ गया क्या? हैंडपंप हाँ। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अभी स्विमिंग पूल में, जो कि है भानगढ़ में, और भानगढ़ पड़ता है अपने अलवर जिले में। और अभी ये जो स्विमिंग पूल है पूरा चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है। और ये पाइप में से पानी आ रहा है बहुत तेज। और पहुंच चुके हैं राजू जी सब, और हमारी टिंगल भी सही एंजॉय कर रही है अभी तो, और बहुत मजा आ रहा है। अरे टिंगल को देखो कितना मजा आ रहा है नहाने में ना। ये देखो, ये देखो, खड़े हो जाओ ना यहाँ पे मेरे ऊपर, खड़े हो जाओ। अरे ये देखो क्या मजे ले रही है, देखो बेटे मेरे फोन में नहीं, फोन में नहीं, फोन गिर जाएगा ना। ये देखो कितना मजा आ रहा है टिंगल को। अरे नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा, नहाएंगे नहाएंगे। हेलो करो गाइस, को लो करो। अरे दीदी गाइस को लो करो। अरे क्या हो गया, क्या हो गया, चल ले ऊपर आ जाओ, ऊपर वाली में आ जा, यहाँ पे बैठ जा बस ऊपर वाली में। अब गाइस को लो करो जल्दी से, जल्दी करो, जल्दी करो। देख इधर, ओए जल्दी जल्दी, एक बार मेरा बेटा है ना, जल्दी मैं चल जाऊंगा ले, बस अब करो जल्दी से फटाफट, अब करो करो। हेलो गाइस, जल्दी। हेलो गाइस, क्या कर रहे? हम नहाने आए स्विमिंग पूल में, बोल दे। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है नहाने में। तो गाइस अभी आए स्विमिंग पूल में नहाने के लिए, और ये देखो पीछे कितनी भीड़ लग रही है, और मस्त स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, ठंडा ठंडा पानी है बिल्कुल। और टिंकल भी नहा रही है इधर, और ये देखो पाइप में से भी नहा रही है। टिंकल नहला दूं क्या आपको इसमें से? ये देखो टिंकल को ये नहला दिया, आप मत उठाओ। तो गाइस ये देखो टिंकल नहा रही है, और वहां उधर सब मजे ले रहे हैं। अरे रुक जा, बस बस। और ये देखो कितना मस्त स्विमिंग पूल है, और बिल्कुल पहाड़ों के बीच में, बहुत अच्छी वाली वाइब्स आ रही है, सब तरफ पहाड़ है। क्या हो गया? ये देखो सब तरफ पहाड़ है, पहाड़ी पहाड़ है, और पहाड़ों के बिल्कुल बीच में है स्विमिंग पूल। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो सब तरफ पहाड़ी पहाड़। ये लो आप आ जाओ। टिंगल क्यों निकल गए बाहर?
अच्छा मैं चल रहा नहीं हूँ, चल चलेंगे अभी। तो गाइस टिंकल बोल रही है कि आप चल रहे हो स्विमिंग पूल में, तो एक बार इसको लेके चलते हैं टिंकल को। लग रहा है टिंकल को। एक दो तीन। और ये रेस लग चुकी है, इधर रेस लग चुकी है स्विमिंग की। आए, ये क्या कर दिया पानी उतवे के। वो टिंकल को बड़े मजे आ रहे हैं स्विमिंग पूल में नहाने के। दोस्तों के ऊपर नहीं, दोस्तों के ऊपर नहीं, दोस्तों के ऊपर नहीं, दोस्तों के ऊपर नहीं। अभी कपड़े को धो के मैं धोऊं के ऊपर। आप भी आ जाओ नहाने बोल दे। आप भी आ जाओ नहाने। हम मजे आ रहे हैं कूल कूल वाटर में। मजे आ रहे हैं, मार रहे ताड़ी। गाइस बहुत मजा, टिंकल सच में एंजॉय कर रही है नहाने के लिए। तो अभी नहाएंगे और फिर चलेंगे घर पे, अपनी गाड़ी उधर खड़ी है तो नहा लेते हैं एक बार। और बहुत तेज धूप हो रही है और बिल्कुल पूरे जंगल के बीच में है, फुल जंगल के बीच में है। इतनी अच्छी वाइब्स आ रही है यहाँ पे कि मतलब पूछो मत आप। बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में स्विमिंग पूल है। और ये है होटल राज रिसोर्ट करके, मतलब ये कोई प्रमोशन नहीं है, बाकी होटल राज करके स्विमिंग पूल के नाम से है। और बिल्कुल पहाड़ों के बीच में, बिल्कुल सुनसान जगह पे जंगल में, तो बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है यहाँ, तो मजे आ गया आज तो। फिलहाल खाना पीना हो गया है और स्विमिंग पूल से नहा के घर आ गए थे। अभी मस्त खाना पीना हो गया है, बस खा रही है टिंकल की मम्मा खाना खा ले, उसके बाद रवानगी लेते हैं यहाँ से। और टाइम अभी हो गया है 12, तो शायद 4 बजे तक घर पहुँच जाएंगे। तो देखते हैं एक बार क्या सीन होता है, वो बताता हूँ आपको। तो गाइज मैं मर गया गाइज, बहुत भयंकर गर्म। एक्चुअली मैंने क्या धूप में खड़ी कर दी थी गाड़ी, तो सीटें इतनी तेज गर्म हो रही है, और मैंने मतलब 4 पे एसी चला रखा है 4 पे, तो भी मतलब ठंडी नहीं हो रही है गाड़ी। इतनी गर्म गाड़ी हो रही है कि बैठ नहीं सकते, हे भगवान। मतलब ये मान लो हालत ख़राब हो गई गाइज। और अभी तो है ना ठंडी कर रहा हूँ क्योंकि बच्ची भी बैठेगी, टिंकल आएगी, और बहुत तेज गर्म हो रही है, बहुत तेज। सीटें मतलब इतनी गर्म हो गई कि बैठ नहीं सकते। तो अभी निकल लिए हैं गाइज यहाँ से, तो इनके मामा जी मतलब मेरी मिसेज के जो मामा जी का घर है, यहाँ से निकल लिए हैं। अब सीधा चलेंगे इनके घर, इनकी मम्मी को छोड़ेंगे और फिर सीधा अपने जयपुर निकलेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। और टाइम अभी एक्चुअली टाइम हो गया 12:30, तो 4 बजे तक हम पहुँचेंगे शायद घर पे। तो जैसा भी देखते हैं अभी क्या है, क्या सीन है, जो भी होता है वो मैं बताता हूँ आपको आगे। बाकी टिंकल और आ रही है, मैंने गाड़ी तो स्टार्ट कर दी है, अब हल्की हल्की ठंडी होने लगी है, लेकिन अभी भी सीटें जल रही है बहुत तेज। वो तो क्या बताऊँ यार, बहुत तेज गर्म हो गई। वो तो ठीक है, बीच में यहाँ कपड़ा है इसलिए थोड़ी सी गर्म मतलब गर्मी सहन हो गई, नहीं तो गर्मी सहन नहीं होती ये तो। और हालत ख़राब हो गई बैठते ही, मुझे नहीं पता था नहीं तो। और ये एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे छाया भी नहीं है ना लगाने के लिए, छाया है तो सामने बहुत दूर है पेड़, तो छाया है नहीं, तो अब लगाए तो कहाँ लगाए। तो अभी चलते हैं एक बार और फिर पहुँचते हैं, और जो भी होता है मैं बताता हूँ आपको। और अभी आप एंजॉय करना टाइम लैप्स दिखाता हूँ आपको। अभी एक तो इनके कोई मौसी वगैरह है पता नहीं कहाँ पे दोसा में, तो वहाँ वो रुकना है, वहाँ के लिए कह रहे हैं, तो देखते हैं क्या सीन होता है। और गाड़ी अपनी चल चुकी है, मैंने ट्रिप स्टार्ट कर दी थी वहाँ से, तो गाड़ी का देखते हैं ट्रिप का। 106 किलोमीटर चल चुकी है गाइस, जो टनल के बाहर निकलने के वहाँ से स्टार्ट की थी ट्रिप, तो मतलब 106 क्या 120 के समथिंग ये चल चुकी है गाड़ी अभी। अभी इसमें पेट्रोल तो और डलवाना पड़ेगा। ये देखो ये ट्रिप स्टार्ट कर दी थी मैंने और 106.3 चल चुकी है, और अब देखते हैं यहाँ से कि कितना किलोमीटर है। मैं सेकंड ट्रिप और स्टार्ट कर देता हूँ इसकी, अब इसको देखते हैं यहाँ से इनके घर से कितना पड़ेगा। और एवरेज तो निकाल रही है गाड़ी 18 का, पर देखते हैं कितना क्या एवरेज देगी। अभी तो गिर गया एवरेज,
यहाँ तो गिर ही जाता है क्योंकि दूसरे तीसरे गियर से ज्यादा चलती नहीं है ना। तो देखते हैं, वो टिंकल आ गई। टिंकल टिंकल आ जा देख गिर जाएगी उधर से आ उधर से आ उधर से। ये देखो कैसे लगा रखी है पागल टोपी। उधर से आओ बेटी उधर से घूम के। तो गाइस सनसेट होने को तैयार है, अभी तो काफी ऊपर है लेकिन सनसेट होगा। और ये देखो ट्रक चल रहा है उल्टा, ये देखो उल्टा चल रहा है रिवर्स। अच्छा जुड़ गई ये ट्रक देखो आपस में। फिर से वही जगह और हालत बहुत गंदी हो रही है क्योंकि गर्मी मर गए। और दूसरी बात कि घर पहुंच चुके हैं और आपने बहुत अच्छा खासा और बहुत लंबा टाइम लैप्स एंजॉय किया होगा। आई होप आपको पसंद आया होगा टाइम लैप्स। और टिंकल तो देखो आता ही चॉकलेट चॉकलेट के पीछे पड़ गई। और एक कांड हो गया हमारे साथ बीच में कि लड्डू ने ना गाड़ी में ही पोटी कर दी तो पूरी गाड़ी मतलब बहुत ज़्यादा बदबू से हो गई है, मतलब हालत ख़राब, शीशे खोलने पड़े और गर्मी में मर गए। ये देखो चेहरे की क्या हालत हो रही है पसीने पसीने से। और इसकी पोटी अजमेरी गेट के आसपास आते आते निकली, पूरे रास्ते नहीं किया इसने और डायपर लगाना भूल गए इसके। तो अभी थोड़ी देर आराम करते हैं फिर मिलता हूँ मैं आपसे। गाइस फिलहाल मैंने खाना तो खा लिया है और तबीयत ख़राब हो गई, अभी दवाइयाँ लेके आया था गणगौरी हॉस्पिटल से। ये देखो दवाइयाँ, बहुत सारी दवाइयाँ दे दी डॉक्टर ने। और वही पेट में दर्द, उल्टी जैसा मन, डिहाइड्रेशन, सर्दी भी लग रही है। और टिंकल देखो कंबल लाई है मेरे लिए, कूलर चल रहा था इसलिए कूलर को तो मैंने बंद कर दिया। ये देखो कूलर चल रहा था उधर तो कूलर को मैंने बंद कर दिया क्योंकि मेरे को सर्दी लगने लग गई इतनी गर्मी में भी। तो अभी फैन चला रखा है हल्का हल्का सा थोड़ा सा। तो एक बार थोड़ी देर आराम करता हूँ, दवाई मैंने ले ली है, खाना हो गया, खाना हल्का चावल और थोड़ा सा दही खाया था। और अब थोड़ी देर दवाई ले ली, अब आराम करते हैं एक बार फिर मिलते हैं। तो गाइस फिर एक बार आराम कर लेता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे। अभी वैसे टाइम 8 बज गए हैं शाम के। तो गाइस सुबह हो गई है और रात को तो दवाई लेते ही नींद आ गई थी, बहुत भयंकर दर्द हो रहा था पेट में। और अभी टिंकल उठ गई है, मैं भी उठ गया हूँ और धरन बिठवा करके आया हूँ। अभी अब धरन बिठाई है उन्होंने अंकल जी ने और उन्होंने बोला कि अभी तो एक दो दिन और लगेंगे, एक दो दिन और आना पड़ेगा आपको मेरे पास, तो जाएंगे और बिठवाएंगे। तो अभी फिलहाल बोला उन्होंने कि कुछ खा लेना, तो दवाई भी लेके आया था वैसे तो मैं रात को, तो कुछ खा के दवाई लेते हैं अभी क्योंकि हालत ख़राब है। और इस वीडियो को करते हैं यहीं एंड। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।